अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। रुक जाइए सूरज, पहले हवन कर लीजिए। लगता है पहुंच गए। हवन का मुहूर्त निकला जा रहा है सूरज, आइए हवन करते हैं। केसर ने तो मेरा पूरा प्लान फेल कर दिया, ये सबको लेकर यहाँ आ गई हवन करने। ये क्या तरीका है सूरज? तू घर से गौमूत्र और कच्चा दूध लेने के लिए निकला था ना, फिर यहाँ क्या कर रहा है? क्या जवाब दूं मैं इनको? काकी वो एक्चुअली मैं हेतल काकी, अभी इन सब बातों के लिए समय नहीं है, मुहूर्त निकला जा रहा है, पहले हवन करते हैं। पंडित जी अभी और कितने मिनट बचे हैं मुहूर्त में? बस 3 से 4 मिनट ही बचे हैं। एक्सक्यूज मी, हमें आपकी हेल्प की जरूरत है, आप हमें कोई साफ सुथरी जगह दे सकते हैं जहाँ हम ये हवन कर सकते हैं? आप भी यहाँ कर लीजिए, हम भी अपनी पूजा यहीं पे करते हैं। आइए सूरज। हवन कुंड को यहाँ रखिए। गंगा जल ले आइए। पंडित जी ये रहा गंगा जल। जय गंगे मैया। पति पत्नी आप दोनों आसन ग्रहण कीजिए। आप लोग भी विराजमान हो जाइए। आइए हवन का कार्यक्रम पूर्ण करते हैं। आप लोग हवन कुंड में आहुति प्रदान कीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। बा हाँ बस अभी केसर और सूरज ने मिलकर हवन का संपन्न किया है। क्या डॉक्टर ने क्या कहा बा? हम बस अभी घर ही आ रहे हैं जी। जय अम्बे। क्या हुआ सासु माँ, घर पे सब ठीक है ना? बापूजी की तबीयत बिगड़ गई थी पर अब सब ठीक है। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें होश आ रहा है और शायद वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जय अम्बे माँ, अम्बे माँ की कृपा है सारी। जय अम्बे। अंबिका बेन आपकी बहू बहुत ही शुभ और संस्कारी है। यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न होते ही बाबूजी के सेहत की खुशखबरी आ गई। जी पंडित जी, केसर तो हमारे घर का अभिमान है।
सच में केसर, आज तूने असंभव को भी संभव करके दिखाया है। मैं इसे सबकी नजरों में गिराना चाहता था, पर ये तो आइडियल बहू बन गई। डैम इट। माँ ने बिल्कुल सही कहा पंडित जी, केसर हमारे घर की शान है। बेजान चीजों पे अपना गुस्सा निकाल रहा है सूरज। खैर अच्छा है, कम से कम जीते जागते इंसानों को तो चोट नहीं पहुंचा रहे जैसे अब तक करते आए हैं। सूरज, आपने मुझे नीचा गिराने के लिए बापूजी को भी नहीं बख्शा। उनकी सेहत के लिए हवन रखा था मैंने, खुद के लिए नहीं, लेकिन आप उससे भी भाग गए। आपको पता भी है आपकी वजह से सब कितना परेशान हुए हैं। आपकी वजह से आज सासू माँ से मैंने झूठ बोला। कहाँ है सूरज, क्यों नहीं आ सकता, कुछ तो बता केसर। सासू माँ, सूरज एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। उन्हें पास के किसी भी गौशाला में ताज़ा दूध और गौमूत्र मिल ही नहीं रहा था, तो वो ढूंढने के चक्कर में वो काफ़ी आगे चले गए, शहर के बाहर निकल गए, और वहाँ जाके उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। उनके फ़ोन में बैटरी भी कम थी तो शायद बंद हो गया होगा, इसलिए उनका फ़ोन लग नहीं रहा है। अम्बे माँ, लेकिन सूरज को इतनी दूर जाना ही नहीं चाहिए था। उसे तो पता था ना कि हवन का मुहूर्त केवल 2 घंटे के लिए है। सूरज से इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। वाह, सूरज एक्चुअली बापूजी के हवन के लिए सबसे शुद्ध सामग्री लाना चाहते थे। मैं जानती हूँ कि इस वजह से वो इतने आगे निकल गए, पर अब हमें दिक्कत हो रही है क्योंकि मुहूर्त निकल रहा है, पर उनकी नीयत अच्छी थी। और सासू माँ, नीयत ही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। सॉरी अम्बे माँ, आज मुझे अपनों से झूठ बोलना पड़ा, पर अगर मैं सच्चाई बता दूंगी तो सबका दिल टूट जाएगा और सूरज के ऊपर से इन सबका विश्वास भी उठ जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती माँ। तो फिर बता देना चाहिए था ना सच, इतना महान बनने की क्या जरूरत थी। एक जीत से केसर, एक जीत से खुद को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझने की गलती मत करना। अभी तो तुमने बस ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि आगे क्या क्या होने वाला है केसर। आगे भी यही होने वाला है सूरज, आप ऐसे ही हम सबको संभालेंगे, पूरे परिवार को ऐसे ही गिरकर बिखरने से हमेशा बचाएंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।